कहाँ है यार, फेसबुक में कहीं फेक फोटो तो नहीं डाल दिया? मैं ही हूँ। I'm Shailu. Nice to meet you. क्या आपको लगा मेरा फेसबुक का फोटो फेक है? I'm really sorry. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है. मेरी आंखों के सामने आप खड़ी हैं. क्यों, इतनी सुंदर हूँ क्या? आप इतनी सुंदर है ना, बता नहीं सकता. मैं नहीं बता सकता, पेट में कुछ नहीं है ना, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं. अरे अब तक आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं, वो आपके पास आने में खत्म हो गए. अब खाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? नहीं है. ओ, ऐसी बात है. ये लो, कुछ खा लेना. ये पैसे मेरे लिए है क्या? मुझे नहीं चाहिए. इस पैसे को मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लेना. फेसबुक वर्कआउट हो गया, यही मेरी स्पॉन्सर है. हेलो, क्या हुआ तुम्हें? जाके कुछ खा लो पहले. मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है. अब इसमें एहसान की क्या बात है? एक मिनट रुको. विजिटिंग कार्ड? माय कार्ड. ये कार्ड आपका है? हाँ, मेरा कार्ड है. फिर आप कब मिलेंगी? फोन पे बात करते हैं ना. बाय. हाय रैम्बो. हाय. हाय. हाय जानेमन. तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है. इम्पोर्टेंट बात? बोलो. आई थिंक. स्टॉप. आई विल गेस. क्या होगा यार, चलो आगे चलते. क्या हो सकता है? ओके, तुम्हारे पेरेंट्स की बात ना? नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? तुम्हारे फ्रेंड्स की बात होगी. ये भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तेरे कॉलेज की बात होगी. कॉलेज भी नहीं, फिर क्या होगा? मेरी बात तो नहीं है. नहीं, कोई नहीं. बचपन में किसी के साथ कुछ लफड़ा? याद आता है तू, तेरे बिन कैसे जियूं. ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? अरे तुम ही बोल दो ना. पता नहीं चला. प्रीवियस वन. ये प्रीवियस क्या है भाई? मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे बाप रे भगवान, इतना मुझे बहुत है और कुछ नहीं चाहिए. तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे बाप रे, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ. आई लव यू टू. एटीएम मेरी हो गई, मुझे कैब लगा. आप जाइए. किसने कहा ये कैब नहीं है? आइए. सॉरी. किधर जाना है? भूल गया. तो उतर जाइए. हाँ, आई रिमेम्बर, कोरमंगला. अब कैसे याद आया? तुम बहुत ही खूबसूरत हो. क्या? मैंने कहा तुम गाड़ी बहुत अच्छा चलाती हो. वैसे तुम्हारे पास डीएल है क्या? मुझसे इतने पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछो, समझे? अरे कोई बात नहीं, वैसे जवाब अच्छे देती हो. सच में तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि घर में पड़ा बूढ़ा बाप और दूसरों के घर में झूठा बर्तन साफ करने वाली माँ, 35 साल होने के बाद भी घर पर बैठी कुंवारी बड़ी बहन और हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाला भाई, इन सबको तुम अकेली पाल रही हो. इसलिए ये तुम किसको बोल रहे हो? तुम्हें. तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही तो है ना. तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया. स्टॉप. बस यही रोक दो. ओके, तुम्हारा नाम? प्रिया. प्रिया, नाइस. तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है क्या? नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना, तब देखते हैं. ओके.
बाय प्रिया। ओके बाय। हे, मैंने तो आपकी ही कैब बुक की। हाय। हाय। कब? थैंक यू। वेलकम। रोज बाइक पर घूमने वाला मैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हाय प्रिया। हाय वीनू, तुम कोई बात कहना चाह रहे थे? वही, कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर बोल भी दूं तो तुम शायद ऐसा सोचोगी कि इसका रोज का डायलॉग है। अरे, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुमने नो बोल दिया तो? और अगर मैंने यस कह दिया तो? फिर तो मुझ जैसा खुशनसीब और कोई नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे ये बात बोलना चाहता हूँ। और तुम नो नहीं कहोगी, ये मुझे भरोसा है। गुड, मतलब इतना भरोसा तो है ना? रिंग कहाँ गई? उस नालायक का ही काम होगा। प्रपोज करने के लिए पूरी तैयारी की थी, तो अब प्रपोज करने में तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार? ये ले, ये फूल दे करके उसे प्रपोज कर दे। प्रिया, तुम भी थोड़ा समझा करो यार, कि तुम्हारे बारे में बहुत टेंशन लेता है। चुपचाप यहाँ से चला जा, आई कैन हैंडल। ओके बाय। बाय। या प्रिया, इग्नोर हिम। या कब से फूल पकड़े बैठे हो? अगली लाइन तो कहो ना। ओ सॉरी सॉरी, आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू वेनू। वन मिनट, एक्सक्यूज मी, किसका फोन आया? हाय बेबी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त मेरी बहन बहुत मुश्किल में है, उसे पैसों की बहुत तकलीफ है, इसलिए आज मैं तुमसे मिल नहीं सकता। क्या हुआ, कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ? कुछ 15,000 रुपए चाहिए। ठीक है, कल ले लो। नहीं बेबी, मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत पैसे ले चुका हूँ, प्लीज मैं कहीं और से ट्राई कर लूंगा। तू क्या ट्राई करेगा? अबे मैं ट्राई करूँ या कुछ भी करूँ, तुम दोनों होते कौन हो? हाँ, हम दोनों तेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। ए, हाथ हटा, आए बड़े दोस्त बनने वाले। देख, ऐसी बात नहीं है, तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जगह पर एक बहुत बड़ा समुंदर था, उस समुंदर में छोटी छोटी मछलियाँ थी। उन छोटी छोटी मछलियों को खाने वाली एक बड़ी मछली थी, उस बड़ी मछली को खाने वाली एक बड़ा शार्क था, और उस बड़े शार्क को खाने वाला उससे भी बड़ा एक शार्क था। इस तरीके से जिंदगी एक के ऊपर एक आगे बढ़ती है। वैसे ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो तुम लोग? वो क्या है ना कि यार, हमारे जैसों को जिंदगी जीने के लिए कोई तो एग्जाम्पल देना होगा। इस कहानी में वो जो छोटी मछली है ना, वो शैलू है, बड़ी फिश तू है, वो बड़ा शार्क पहलू है, और उस बड़े शार्क को खाने वाला कौन है? समझ गया, ब्लैकमेल। कहानी को तूने बिल्कुल सही समझा मेरे भाई, जा और जाकर 20,000 रुपए लेकर आ। क्या रे, मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम दोनों मेरा झूठ शैलू को बोल दोगे तो मैं क्या डर जाऊंगा? तुम दोनों मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे, चल फुट। ए, अबे तूने उसको क्यों भड़काया? उसको भड़काया ना, अपनी एंट्री इजी हो गई। मैं अब तो क्या करने वाला है, चल तुझे बताता हूँ। शैलू 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 शैलू, अर्जेंट में मुझे शैलू को ये बात बतानी पड़ेगी। ये दोनों पागल तुम्हारे पास आएंगे, तुम उन दोनों की बात बिल्कुल मत सुनना। वो ये बात बताने जाएंगे, ऑलरेडी उसको ये बात पता चल चुकी होगी, और वो उनके कान के नीचे बजाएंगे। ए शैलू शैलू शैलू। मुझे क्यों मारा शैलू? मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। शैलू जाओ यहाँ से। देखो इनको, दो लड़कियाँ हैं। कौन है ये? इतनी जल्दी भूल गए तुम? कौन है बताओ ना। अब तो हद हो गई, अपनी बहनों को भूल गए तुम? पिंकी पॉंकी। पिंकी पॉंकी मेरी बहनें हैं। तुम दोनों? हाँ वही है, तुम्हें पता है इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं? मतलब वो इन्हें देख के मुझे बहुत दया आ रही है। दया तो मुझे तुम पर आ रही है भाभी।
कंट्रोल भाभी, भाभी कंट्रोल, कंट्रोल भाभी। पकड़ना जरूरी है क्या? जाओ ना, पीछे खड़े रहो। चलो एक मिनट। हाँ पिंकू, ओंकू, आओ आओ। बहुत शाने बनते हो। हाँ आओ दिखाता हूँ। ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? शैलू को क्या बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। अगर हमारी बात नहीं मानी ना, जाके सब बता देंगे। अबे तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ, डरा रहा हूँ। देख रैम्बो, अगर तूने शैलू को हमारे बारे में बताया, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। तेरे बारे में अगर हमने उसको बता दिया ना, तो तू समझ ले तेरा क्या होगा। तेरी बाकी की सारी जिंदगी सड़क पर बीतेगी। हाँ हमारी बात मान लेगा तो तू सेफ रहेगा, वरना तू सोच ले। टाइम क्यों लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है? आया शैलू। मैंने जो कहा याद है कि तुझे दोबारा से सुनाना पड़ेगा। सुन लूंगा भाई, वरना मरना पड़ेगा। ठीक है चलो चलो। तुम कितने नसीब वाले हो, ये तुम्हें कितना प्यार करती हैं। हमें भी इतना अच्छा भाई मिला है, ये हमारा नसीब है। सो नाइस भाभी, आई लव यू भाभी। आप हमारे भाई की जिंदगी में आए, ये बहुत खुशी की बात है। मैं कहाँ खुश हूँ, तुम लोग खुश हो। हमारा भाई बहुत शर्माता है, वो बचपन से ही ऐसा है। कुछ बोलना है करके लेके गया और बिन कुछ बोले ही वापस आ गया, है ना भैया? तू मुंह बंद कर, बेकार में तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम कुछ मत कहो, ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी फ्रेंड भी है। जल्दी से 25,000 मांग ले। तूने तो 20 कहा था ना। अरे क्योंकि अब रिलेशनशिप डेवलप हो गई है। हेलो हेलो जानू, घर पे हूँ, अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। नहा लिया ना, अब जरा जल्दी आ जाओ। अभी नहीं आ सकती यार, नॉटी। ओके आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अबे चिकन फ्राई कहाँ है? मुर्गी अपने पैरों पर चल के आ रही है। और कैश कहाँ पर है? वो भी ऑन द वे है। तुम लोग पियो, सब अरेंजमेंट कर दिया है मैंने, तुम लोग पीते रहो। ओके पियो। सलो आज शैलू के सामने तुम्हारी पोल खोल के रहूंगा। शैलू आ रहा हूँ। आज तुम्हें की खैर नहीं। शैलू आ गई, अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, चला जा। आ गई आ गई आ गई, अब मजा आएगा। शैलू आ जाओ, आओ आओ आओ, अंदर आओ। आओ ना, देखो क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देखो क्या तमाशा हो रहा है। देखो क्या देखना है। कहाँ गए साले, गायब हो गए। भैया बाहर जाइए ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया को बाहर भेजती हूँ, तुम लोग आ जाओ। नहीं नहीं, वो दोनों बाहर आ गए ना तो तुम कोमा में चली जाओगी। वो लड़कियाँ हैं यार। हाँ तू बहुत अच्छा मजाक करती है। तुम दोनों अच्छी तरह से नहा कर आना, हम दोनों तब तक बाहर है। हाँ भैया, जरा भाभी को सोप देने बोलेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, दिस इज टू मच, तुम रुको मैं देख आती हूँ। समझा करो ना भाभी। वैसे क्या आप अंदर आके अपने हाथों से मेरी पीठ धो देंगी? नहीं बाबा नहीं, मैं शैलू के हाथों से ऐसा गंदा काम नहीं करवा सकता। बेचारी कब से साबुन मांग रही है। अरे तुम नहीं समझोगी, तुम चलो 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 बाहर चलो, तुम लोग नहा कर आओ, हम लोग बाहर खड़े हैं। क्या कर रहे हो तुम? भगवान इस बार बच गए। निकिता बेबी, मैं निकिता के पास जाता हूँ, जब से तुमको देखा है ना, किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। दिन रात शाम को दोपहर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, मेरी आंखों के सामने बस तुम ही नजर आती हो बेबी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। आई बस सच कह रहा हूं, एक लड़की दूसरी लड़की के साथ ऐसे? अरे 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 अरे, तो ये कैसा जमाना आ गया है। यकीन अच्छा तुमको भी ऐसा होता है? ए सीनू, ये कौन सी लड़की से प्यार कर लिया तूने? आकर खुद अपनी आंखों से देख ले। अरे बाप रे, जिसे जो भी करना है करे, मैं तो सिर्फ अपना काम करके जाऊंगा। बेबी एक बार प्लीज,
छी, बस मुझे शर्म आ रही है। तुझे किस बात की शर्म है माते? प्लीज इतना भी मत शर्माओ ना, प्लीज। इसकी आवाज मर्दों जैसी क्यों है? अरे वही रैम्बो। वो क्यों आएगा यहाँ? क्यों आएगा मतलब? मैं और वेनु लड़की नहीं है, ये बात तुम्हें बताने के लिए वो जरूर आएगा, लेकिन उसका ये आइडिया पूरा डब्बा है। मतलब ये नाइटी पहना हुआ मादा नहीं नर है। ए सीना, मुझे तेरी बचाना। और ये बात वो तुम्हें पूरी फीलिंग्स के साथ बताएगा, तुम देख लेना। उसके बताने से क्या होगा, ड्रामे के बारे में मैं सब जानती हूँ। सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। ये बात तुम्हें पता है मगर उसे नहीं पता है। अगर उसे पता चल गया तो उसे बुरा लगेगा ना? ऑलरेडी बुरा तो उसे लग रहा है। हाँ? ए, चुप गया क्या? बाहर आ जा। अबे साले, सब झूठ मूठ का ड्रामा है। मैं ये नहीं मानता। तेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तू औरत की तरह नाइटी पहनकर क्यों बैठा है? ये मेरा नया स्टाइल है, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। क्या? ए, दूसरा ऑप्शन नहीं है, जल्दी जाओ। रहा क्यों रे, और पैसा लेकर आया? उस डॉन के साथ गया था ना तू? पागल हो गया क्या, दिमाग खराब है तेरा? ए पापियों, तुम लोग इंसान हो क्या? मुझे सिर्फ एटीएम की तरह यूज कर लिया तुम लोगों ने और मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो अब क्या हो गया यार? क्या हुआ? अरे सब चला गया, सब चला गया, हाथ से निकल गया। कुछ समझा नहीं? तुम लोग क्या समझोगे, अच्छे संस्कारी घर में पैदा हुआ मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। शर्म मान मर्यादा छोड़ के कह रहा हूँ मैं, रात को कल तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं गए? हाँ। तू ही उस डॉन के साथ खुद चला गया था। मैं नहीं गया, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गया डिस्कशन करने बोलकर। उसके बाद मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर तू नहीं माना और चला गया। अरे उसके बाद क्या हुआ ये बता। तुम लोग मुझसे इतना पूछ रहे हो ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। वो डॉन मुझे वहाँ लेकर गया और कहाँ गए ये लोग? घबराओ मत। हाँ? आ जाएंगे। हाँ? पहले तुम, बाद में बोलो। हाँ ठीक है ना। सर आप इतने बड़े डॉन हैं और इतनी अच्छी बातें करते हैं, मैं तो आपका फैन हो गया सर। सर मुझे पैसा दे दीजिए तो मैं जाता हूँ ना। नो प्रॉब्लम, दूंगा दूंगा। सर आपके लोगों को ना कस्टमर से कैसे बिहेव करना कुछ पता ही नहीं है। सर थोड़ा पैसे के बारे में डिस्कशन करना है। डिस्कशन? डिस्कशन डिले करना मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि नो मुझे बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है सर। हाँ, आइए। प्लीज वेट। या आई विल बी बैक। ओके सर। ए वो मुझे चाहिए। Get him. दरवाजा बंद कर। मर गया। अरे प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे मैं शरीफ इंसान हूँ। मैं उसी टाइप का हूँ, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है ना ये? अरे मैं वैसा नहीं हूँ। अरे मैं बस मर गया। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। अरे बाप रे, मैं तुम्हें फूल की तरह रखूंगा, तुम मेरे डार्लिंग हो। सीनू कहाँ है? कहाँ रह गए यार? हाय 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 सीनू कहाँ है?
वो तुम लोगों के साथ नहीं था क्या? यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया वो? फिर से कुछ लफड़ा वगैरह तो नहीं किया ना उसने? हाय, ये अपना सीनू तो नहीं? अरे हाँ यार, ये तो अपना सीनू है। अरे रुक, अरे सॉरी, फिर से क्या कर लिया भाई? अब नो प्रॉब्लम। पैसे कहाँ है, उसका क्या किया? पब मैनेजर के अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं। तू जहाँ जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो जो होना था वो हो गया। Now be happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy.